तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्र अब नहीं पढ़ेंगे संस्कृत। टीचर न मिलने से पहले ही सत्र में योजना ने तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में तीसरी से पांचवीं कक्षा में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। अब एक शैक्षणिक सत्र के बाद ही संस्कृत विषय को कक्षाओं से हटा दिया गया है। इसके चलते अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तीसरी से पांचवीं कक्षा के छात्र नए शैक्षणिक सत्र से संस्कृत विषय को नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कृत विषय को स्कूलों में न पढ़ाए जाने के लिए राज्य सरकार व शिक्षा निदेशालय की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसके चलते अब प्रदेश शिक्षा बोर्ड की ओर से संस्कृत की किताबों की छपवाई भी नहीं की गई है और न ही स्कूलों में भेजी गई है। वहीं बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष एक सत्र की प्रिंट की गई संस्कृत विषय की किताबों को स्कूलों के पुस्तकालयों में रखने का निर्णय लिया है। वहीं संस्कृत विषयों को स्कूलों से एक ही सत्र में हटाए जाने का सबसे बड़ा कारण शिक्षकों की उपलब्धता न होना बताया जा रहा है। प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालय में बोर्ड की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023 से 24 में हिमाचल की दूसरी राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए तीसरी कक्षा से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को संस्कृत विषय को लगाया गया था, लेकिन यह योजना सफल नहीं हो सकी और एक साल के बाद ही संस्कृत विषय को बंद करना पड़ा। जानकारी के अनुसार संस्कृत को पढ़ाने के लिए शिक्षक न होने से विषय को बंद करने के लिए सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी की गई है। इतना ही नहीं, पूर्व के सत्र में नहीं बोर्ड की ओर से संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र प्रिंट छपवा कर स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं के लिए भेजे गए थे, जिससे बाद स्कूलों में शिक्षकों ने खुद ही प्रश्न पत्र बनाकर छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं ली थी। गौरतलब है कि प्रदेश में सभी राजकीय स्कूलों में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से तीसरी कक्षा से संस्कृत विषय को लगाया गया था, जिसके बाद अब इसको बंद करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत विषय को बंद करने की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब स्कूलों में तीसरी से पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को संस्कृत विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। इच्छुक बच्चों को करना होगा इंतजार। बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के तहत अब संस्कृत पढ़े वाले इच्छुक छात्रों को संस्कृत विषय को पढ़े के लिए इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश के स्कूलों में तीसरी से पांचवीं कक्षा तक संस्कृत विषय पढ़ाने के लिए शिक्षक न होने के चलते बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया है।